third, same subject maths. Today I will teach exercise 16, question number 10. Product of two rational number is 15. If one of them is minus 2 upon 3, find the other. तो इसमें आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल फिफ्टीन एंड वन ऑफ देम means first rational number is minus 2 upon 3. So other rational number equal तो इस product में इस first number का हम divide लगा देंगे 15 divided by minus 2 upon 3 equal to first rational number is same. डिवाइड चेंज इन टू मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2. इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, आप क्या मानेंगे 1. तो 15 3 जार माइनस का 25 अपॉन 2 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. बाय पार्ट नंबर डॉट 7 अपॉन 2 देखिए का नंबर लेंगे 5/8 नंबर शुड बी मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 4 टू गेट 7 अपॉन 2. तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 4 ये आपका फर्स्ट नंबर है और इससे आपको गेट होता है 7 अपॉन 2. तो ये आपका प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 अपॉन 4. दिस फर्स्ट रेशनल नंबर इज सेम 7 अपॉन 2 डिवाइड चेंज इन टू मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल माइनस 5 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 4 अपॉन माइनस 5. इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया तो 2 जा 4. तो दिस 7 2 जा 14 अपॉन माइनस 5. डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं है तो इस माइनस के ऊपर लाएंगे माइनस 14 अपॉन 5 आंसर. नेक्स्ट नंबर 12 द और डॉट क्लोज द कॉस्ट ऑफ टू होल नंबर 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज 1166. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ. तो आपके पास टू होल नंबर 3 अपॉन 4 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दी हुई है. सॉल्व कॉस्ट ऑफ टू होल नंबर 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल रुपीज 1166. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल रुपीज 1166 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 3 अपॉन 4 इक्वल रुपीज सेम डिवाइड इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 टू जाइए 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 इक्वल रुपीज 1166 डिवाइड करेंगे इंटू मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल 4 अपॉन 11. इस 11 से 1166 को कैंसिल करेंगे 11 बन जाए 11 6 में डिवाइड नहीं जा रहा 0 11 6 जा 66 रुपीज 106 मल्टीप्लाई बाई 4 4 6 जा 24 4 बन जा 4 आंसर. नाउ होमवर्क कंप्लीट क्वेश्चन 13 14 15
ओके देट